Now coming to the second part. Second part में again we have minus 5 upon 6. So हम numerator और denominator को compare करेंगे. So over here 5 और 6 में से 6 is greater means denominator is greater than numerator this time. जब भी आप ये compare करते हैं numerator और denominator को तो जो ये minus वाला sign है वो इग्नोर करके करना है. इट्स लाइक वी आर टेकिंग इट एज 5 अपॉन 6 नॉट माइनस 5 अपॉन 6 वरना तो माइनस वाला हमेशा छोटा रहेगा. सो 5 अपॉन 6 में से 5 छोटा है मींस न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है. लास्ट पार्ट में हमने देखा था अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटा है सो दिस मीन्स ये फ्रैक्शन हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगी. ओके इफ न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर देन इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. लेकिन यहां पे ये नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब है वो 0 और पॉजिटिव साइड पे जाके लाई नहीं कर सकता. सो इट विल लाई बिटवीन 0 एंड माइनस 1. सिंपल बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है तो ये लेफ्ट साइड पे ही जाएगा. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड ड्रॉ द नंबर लाइन. So this is our number line starting with यहाँ पे अब हम zero ले लेते हैं because हमें plot इस side करना है. So let's take minus one over here. अब यहाँ पे again हम check करेंगे हमारे numerator denominator क्या है 6 मतलब इसको 6 parts में divide करना है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 means 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts में आपने इसे divide कर दिया. आप डिवाइड करने के बाद मार्क करना स्टार्ट करते हैं. दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 6. और अगर हम यहां माइनस 1 की बात करें तो यहां पे क्या आना चाहिए माइनस 6 अपॉन 6 विच इज नथिंग बट माइनस 1. ओके सो कमिंग बैक टू दी पार्ट हमारे पास है माइनस 5 अपॉन 6. सो माइनस 5 अपॉन 6 कहां पे आ रहा है इट इज कमिंग हियर. सो यहां पे ये हमने प्लॉट कर दिया. ओके सो दिस इज हाउ यू प्लॉट दिस पी अपॉन क्यू फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. दिस वाज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.